राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में निषाद महाकुंभ का किया गया आयोजन। कहा, व्यक्तिगत हितों को त्याग कर समाज के लिए हम सबको एकजुट होकर होगा लड़ना। मुख्यमंत्री से समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा देने के लिए किया गया है अनुरोध। प्रदेश सरकार के कारागार व होमगार्ड मंत्री द्वारा जिला कारागार में बंदियों से सीधा संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कौशल विकास मिशन के तहत अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने के लिए बंदियों को किया गया प्रोत्साहित। सावन के तीसरे सोमवार पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने भगवान शिव का किया पूजा अर्चना। जनपद के सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव महापुराण कथा के समापन के अवसर पर भगवान शिव का विधि विधान से किया रुद्राभिषेक। कहा, शिव की आराधना से मिलती है दूसरों के कल्याण की प्रेरणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 500 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता। कबीरनगर के गांव बंजरिया बलुशान के सिवान में गिरा एयरफोर्स का फ्यूल टैंक। क्षेत्र में मचा अफरा तफरी का माहौल। जांच में जुटी पुलिस एयरफोर्स को सूचना देकर कर रही है आगे की कार्रवाई। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता, जगरवी एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवी इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। जनपद में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निषाद महाकुंभ में आए समाज के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि समाज के हक अधिकार के अभाव में समाज में आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए समाज को संगठित होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब समाज को राजनैतिक लड़ाई लड़ने के बदले में निजी स्वार्थ के लिए काम करने लगे तो अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, व्यक्तिगत हित के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सामाजिक हित के लिए ईमानदारी से लड़ा गया होता तो आज समाज का चौमुखा विकास होना संभव था। विभिन्न जनपदों में आरक्षण के लिए सैकड़ों आंदोलनकारी संगीन धाराओं में निरुद्ध हैं। हमारा एक नौजवान भाई शहीद अखिलेश निषाद शहीद हो गया। आंदोलनकारियों की रिहाई व शहीद अखिलेश की हत्या का CBI जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अनुसूचित जाति की सुविधा मछुआ समाज के लिए अति 17 पिछड़ी जातियों को देकर अपने किए वादे को पूरा कर निषाद समाज और भगवान राम के दोस्ती को पुनर्जीवित करें। इस अवसर पर शहीद अखिलेश निषाद की बहन भगवती निषाद, समाजसेवी घनश्याम निषाद, रामनाथ निषाद, इंजीनियर शिव साहनी, प्रेम सागर निषाद, भागीरथी निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया के सर्वोच्च कुमार निषाद जिंदाबाद।
को दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक जोरदार जय घोष करिए, बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर। आने के लिए आपके जो बंद रास्ते को खोलने के लिए, ये बंद रास्ता केवल मेरे बादौलत नहीं खुलने वाला है, मैं तो केवल रास्ता बताने आया हूं, मैं तो सिर्फ आप लोगों को उपनीत वो बातें बताने आया हूं कि जो बातें आप लोग नहीं जानते हैं, अगर उस बात को जान जाएंगे और आपको मिल जाएगा वो रास्ता, आपकी ताकत मिलेगी, वो मंजिल दूर नहीं जिस बात के लिए आपने कसौर में अपने आप को आहूति दी। हम धन्य है अति आंदोलन का भी, मैं उनको नमस्कार करता हूं, अपने रुपया आपसे बतौने के लिए, आपको बेचने के लिए, हमको इस बात का, हम सब सांसद थे, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, भारी तादाद में आकर के इस समाज के लोगों ने शांति प्रिय ढंग से संवैधानिक तौर तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया है और अपने मुखिया तक सही संदेश पहुंचा करके अपना हक का मांग किया है। ये समाज बिकना नहीं चाहता, ये समाज गुमराह नहीं होना चाहता, ये समाज अपने हक, अपने आने वाले नौनिहान बच्चों के लिए अपनी अधिकार मांग रहा है, उनके आने वाले भविष्य को उज्जवल करना चाहता है, और कोई इसकी लड़ाई नहीं है किसी प्रकार से, कहीं ये गुमराह किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी दल का विरोध करने के लिए नहीं उतरा, बल्कि ये अपने अधिकार की बात संवैधानिक तौर तरीके से किया है और भारी संख्या में लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आए हुए सभी आगंतुक, सभी दसों जिले के भाइयों को, माता पिता भाई बंधु सभी को, सभी सहयोगी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको नमन करता हूं, धन्यवाद। जिस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखिए विरोध चल रहा था, बाथरूम को लेकर लोग उसको फैला रहे थे कि इसमें ना जाए, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी ताकत जब समूह एक साथ होकर के, एक हुचूम बन करके जब चलता है, तो उसके सामने आंधी और तूफान भी आ जाए तो उसका सामना नहीं कर सकता। कितना भी लोगों ने गुमराह करने का कोशिश किया, उनको विषयांतर करने का कोशिश किया, लेकिन लोगों ने अपने मिशन के तरफ रहे, अपने मिशन के तरफ चल करके अपने मिशन को सफल बनाया है, आगे मिशन पूरा करने के लिए भी काम करेंगे। क्या प्रमुख काम करेंगे निषाद समुदाय के लिए, निषाद को एक कर रहे हैं? ये निषाद समाज बहुत पहले से अपने आरक्षण की मांग करते आ रहा है, उसको आरक्षण चाहिए, ये संवैधानिक तौर तरीके से अपना आरक्षण मांग रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में हमको हमारे ही जात को आरक्षण मिलता है, जैसे दिल्ली में हमारे समाज को आरक्षण मिलता है, ठीक उसी तर्ज पर हम लोगों को, उन जातियों को प्रदेश में मिलता रहे, ये मैं चाहता हूँ, मिले, मिलना चाहिए और उनको देना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में इन लोगों ने बहुत मदद की है, इस समाज का बहुत बड़ा इस देश के ऊपर परोपकार है। प्रभु श्री राम ने भी इस बात को माना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने किसी से नहीं मिला, अगर मिला उन्होंने तो केवल निषाद राज से मिला, इसलिए ये और अधिक इनका अधिकार बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद अब पूरा होना चाहिए, पूरा करके इनको अनुग्रहित करें, बस यही मेरी काम। अगर सफल हो जाता तो फिर निषाद समाज, निषाद महाकुंभ क्यों करता, क्या जरूरत पड़ती इसको करने की? सफल हो गया होता
तो निषाद महाकुंभ की जरूरत नहीं पड़ी होती, इसलिए निषाद महाकुंभ हुआ। देखिए आज जो भी ठग रहा है, समाज अपने आप को ठगा महसूस किया है, इसलिए वो अपनी बात अब अपने ढंग से रखना चाहता है और वो चाहता है कि हमको सीधे हिस्सा मिले, किसी के थ्रू ना मिले, सीधे सीधे समाज को हिस्सा दिया जाए, समाज आपके साथ। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा जिला कारागार में बंदियों से सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जेल में बंद बंदियों को कौशल विकास मिशन के तहत अधिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुमार, उप कारापाल विजय कुमार राय, विश्वनाथ पांडे, अमिता श्रीवास्तव उपस्थित रहे। काम सीखिए, इसलिए कि जब काम सीख जाएंगे, जेल के जब बाहर जाएंगे तो आप जब सीख जाएंगे तो कुछ न कुछ स्वरोजगार से जुड़ेंगे और स्वरोजगार से जुड़ेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, बेरोजगार रहोगे तो गलती करोगे, इसलिए एमएसएमई कौशल विकास से जोड़ा इनकी और भी कराएंगे कौशल विकास, मोबाइल ट्रेनिंग ये सब कराएंगे और सब लोग ठीक हैं नौजवान लड़के। और मुझे भरोसा है जिनके दिमाग में घर परिवार माँ बाप हैं वो तो इन बातों को मान लेंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना किया, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस समय सावन का पवित्र पर्व चल रहा है और सावन का तीसरा सोमवार है, जिसको देखते हुए मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया है। उन्होंने कहा हजारों वर्षों की परंपरा है, भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे और मानसरोवर की पूजा करने के बाद गुरु गोरक्षनाथ ने राज तिलक किया था। यह पवित्र पावन स्थल है, यहाँ पर हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मानसरोवर का ये पवित्र पावन मंदिर, यहाँ पर ये
हजारों वर्षों की ये परंपरा है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी भी यहाँ आए थे और मानसरोवर की पूजा करने के बाद भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने उनको राजतिलक किया था। ये पवित्र पावन स्थल जहाँ आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी यहाँ रुद्राभिषेक किया है, हम सब भी इस कार्यक्रम में भागीदार बने हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में शिव महापुराण कथा के समापन के अवसर पर मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव को विधि विधान से बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, चावल चढ़ाकर प्रदेश के सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की कामना की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव विग्रहों का दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरहत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक श्रद्धालुओं को द्वादश ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से अलौकिक कृपा का प्रसाद आदिकाल से प्राप्त होता रहा है। भारतीय मनीषा के माध्यम से हम कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। शिव की आराधना से हमें स्वयं के साथ दूसरों के कल्याण की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के सानिध्य में अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर में आयोजित सप्त दिवसीय 18 से 24 जुलाई 2023 शिव महापुराण कथा के विश्राम दिवस पर व्यासपीठ के समक्ष अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। व्यासपीठ की पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा का आनंद प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। विरहत्तर भारत में कैलाश से रामेश्वरम तक, पूरब में मेघनाथ धाम से लेकर पश्चिम में सोमनाथ धाम तक भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थल प्राचीन काल से आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता के जागरण के केंद्र रहे हैं। श्रद्धालु नदियों व तीर्थों से शिला लाकर शंकर के रूप में पूजते हैं और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शिवालय और ज्योतिर्लिंग सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि शिव का अर्थ ही कल्याण है, जिसमें कपट ना हो, परपंच ना हो, साधना में लीन होकर जो स्वयं व समाज के लिए कल्याणकारी हो वही शिव का उपासक है। दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेना, दूसरों को अमृत देकर स्वयं विषपान कर लेना ही शिवत्व है। इसलिए स्वयं के कल्याण के साथ दूसरों का कल्याण करना ही वास्तविक शिव पूजन होगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जय भोले वृंदारी।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के पुरोहित रामानुज त्रिपाठी ने कहा, महाराज जी ने आज यहाँ एक हफ्ता से चल रहे शिव पुराण महाकथा का समापन किए हैं, आशीर्वाद जनता जनार्दन को दिए हैं और यह जो मानसरोवर मंदिर है यह अति प्राचीन मंदिर है, यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, लोग अपनी मन्नत मानते हैं। योगी जी भी आकर के आज इस जनार्दन जनता जनार्दन की रक्षा के लिए उनके कल्याण के लिए अपनी मनोकामना मांगे हैं भगवान शंकर से कि हमारा भारत देश सुखी रहे, समृद्ध रहे और किसी तरह का किसी को दुख ना हो। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में 500 फरियादियों की फरियाद को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाया है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर उनको पक्का आवास दिया जाए। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी अधिकारी जन कल्याण कार्यों को हमेशा प्राथमिकता पर रखें। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण करें। वहीं इलाज के लिए पैसों के लिए पहुंची महिलाओं से कहा कि पैसों के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सरकार पीड़ित मरीजों का अपने पैसों से इलाज करवाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए सर, यहाँ से दुकान नहीं दी जाती है, आपको उसको देखना चाहिए कहाँ हो सकता है। देखो अगर कुछ व्यवस्था हो सकती है, क्या बात है, कहाँ का मामला है, चाहते हैं ट्रांसफर चाहते हैं आप, क्या बात है, हैं
और बढ़ालगंज का मामला क्या हो गया है? इसको देखेंगे देवरिया का, देवरिया का मामला सब आपसे क्या है? जनपद संतकबीर नगर के गांव बंजरिया बलुसान के सिवान में एयरफोर्स का फ्यूल टैंक गिरा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी संतकबीर नगर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी संतकबीर नगर सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि यहां बंजरिया में एयरफोर्स का फ्यूल टैंक गिरा हुआ है, जिसके लिए हमने एयरफोर्स को सूचित कर दिया है। कुछ समय में एयरफोर्स की टीम आने वाली है। हमने टैंक के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। किसी भी तरह की आशंका का माहौल नहीं है। यहां पर एयरफोर्स की टीम आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी संतकबीर नगर सत्यजीत गुप्ता ने कहा, यहां पे जहां हम लोग खड़े हैं, यहां पीछे हम देख सकते हैं कि दो फ्यूल टैंक जैसे दिख रहे हैं, वो एयरफोर्स का कुछ ऐसा फ्यूल टैंक गिरा हुआ है, जो कि हमने एयरफोर्स से संपर्क किया है और एयरफोर्स की टीम यहाँ पे अभी बहुत कुछ ही समय में आने वाली है और आगे इसके फ्यूल टैंक के साथ क्या करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल हमने एरिया को सिक्योर कर लिया है, कॉर्डन ऑफ हमने कर लिया है ताकि कोई भी ऐसी मिसहैप ना हो। बाकी यहाँ पे मौके पे